नई थ्योरम पे आते हैं, थ्योरम 7.2 है। ये क्या कहती है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, दो साइड इक्वल होती है। तो ये वाली जो थ्योरम है ना, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल की, माने ट्रायंगल के जिसमें दो साइड बराबर होती है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, इस वाले चैप्टर में हमने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी है, यानी कि दो ट्रायंगल एक जैसे कब होते हैं। लेकिन ये जो थ्योरम है ना, ये सिर्फ एक ही ट्रायंगल पे लगी, इसमें हम एक ही ट्रायंगल की दो साइड के बारे में बात कर रहे हैं। थ्योरम क्या कहती है, ए बी सी अगर ये साइड इसके बराबर है तो इसके ऑपोजिट जो एंगल होंगे ना वो भी बराबर होंगे। ए बी के ऑपोजिट एंगल कौन सा, ए सी बी। ए सी के ऑपोजिट एंगल ए बी सी। तो इफ ए बी बराबर ए सी, तो एंगल ए बी के ऑपोजिट ए सी बी, ए सी बी बराबर एंगल ए बी सी। मैंने जादू को चाटा मारा तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, जादू रोया। इसी को दूसरे तरीके से कैसे लिखे, जादू रोया तो मतलब जादू ने चाटा खाया। इसी तरह ये थ्योरम, साइड बराबर है तो उसके ऑपोजिट एंगल बराबर होगा। सिमिलरली अगर ऑपोजिट एंगल बराबर है तो उसके ऑपोजिट जो साइड होगी वो भी बराबर होगी। तो इसको लिखते कैसे, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल।